हेलो एवरीवन, जैसे कि हरियाणा ADA की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ IPC. सो आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज द टॉपिक ऑफ दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सो दैट इज चैप्टर 17 हम आज जो है रिवाइज करने वाले हैं IPC का. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो इसमें से या तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, थेफ्ट का पनिशमेंट क्या है, इंग्रेडिएंट्स में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मोस्टली क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशंस में से बहुत आते हैं, इनमें से क्वेश्चन. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन टूडेज लेक्चर. सो थेफ्ट सबसे पहले तो कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 378. सो दिस सेज दैट सॉरी whoever intending to take dishonestly any movable property. सो कोई भी अगर किसी इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, सो दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है. आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के पोजेशन से बिना उस पर्सन के कंसेंट के अगर वो उस प्रॉपर्टी को मूव करता है इन ऑर्डर टू टेक, दैट इज सेड टू कमिट थेफ्ट. सो थेफ्ट के लिए क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए. किस चीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी लेने की इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है. डिसऑनेस्टली लेने की होनी चाहिए, दैट इज कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. तो किसी पर्सन के पोजेशन, सपोज आई हैव अ बुक, ठीक है, ये बुक मेरे पोजेशन में पड़ी है, एंड कोई आता है एंड ये बुक लेके चला जाता है. सो ये बुक मेरी डेस्क पे पड़ी है, सो दैट मीन्स दिस इज इन माय पोजेशन, ये मेरे पोजेशन में है. दिस इज द मूवेबल प्रॉपर्टी. जो पर्सन लेके गया उसने बिना मेरे कंसेंट के लिए उसने बुक को मूव किया, उसकी इंटेंशन थी ऐसा करने की, देन दैट इज सेड टू कमिट. सो आई थिंक सो लॉन्ग एज दिस इज अटैच टू द अर्थ, जब तक कोई चीज़ अर्थ से अटैच है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. सो दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट. वाई, क्योंकि सेक्शन 378 जो है थेफ्ट, दिस डील्स विद ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी से अप्लाई होता है ये. बट जैसे ही उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, एज सुन एज दिस इज स्वेड फ्रॉम दैट, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द थेफ्ट. So a person is said to cause a thing to move by removing any obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. To understand this, we'll just see the examples. ठीक है, examples देखते हैं. इसके पहले जो consent mention किया गया है without the consent of that person in your definition, so that may be वो express भी हो सकता है, वो implied भी हो सकता है. And that may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied. Let's see the illustrations of this. So first illustration says that A जो है, ठीक है, sorry, A cuts down a tree on Z's ground. ठीक है, वो Z के ground पे जो है किसी पेड़ को काट देता है, इस इंटेंशन के साथ कि वो डिसऑनेस्टली उसको लेके जाएगा, ठीक है, जेड के पोजीशन से बिना जेड के कंसेंट से. जैसे तो ट्री जब तक वो कट नहीं हुआ था, सो दैट वाज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं था. एज सुन एज जैसे ही उसको कट कर दिया गया, एज सुन एज दैट इज स्वेयर्ड फ्रॉम द अर्थ, तो वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन गया. सो इफ अगर एक पेड़ को काटता है जेड के ग्राउंड पे एंड उसको वो लेके जाता है बिना जेड के कंसेंट के, सो एज सुन एज ए हैज स्वेयर्ड द ट्री in order to such taking, he has committed what? He has committed theft. Next illustration is A puts a bait for dogs in his pocket, and is ऐसे जो है वो induce करता है Z के dog को कि वो उसको follow करे. तो यहाँ पे A की intention थी be dishonestly to take the dog out of Z's possession. यहाँ पे A की intention क्या थी, dishonestly, ठीक है, उसको लेके जाने की डॉग को Z के पोजेशन से बिना Z के कंसेंट के. सो ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए ने थेफ्ट कमिट किया है. एज सुन एज Z's डॉग हैज बिगन टू फॉलो, जैसे ही Z का डॉग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है. तो क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन दी है, व्हाट इज दिस, दिस इज थेफ्ट, क्या ऑफेंस कमिट किया हुआ है ये. सो ऐसे करके आप जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. Next is A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As long as, जैसे ही bullock जो है move करना start करता है, so A has committed what? A has committed the theft. ए बींग जेड सर्वेंट, ए जेड का सर्वेंट है एंड ही वॉज इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लीट. वो डिसऑनेस्टली ही रन्स अवे विद द प्लीट विदाउट जेड्स कंसेंट. ही हैज कमिटेड व्हाट? ही हैज कमिटेड थेफ्ट. चाहे इंटरेस्टमेंट की हुई है बट वो है तो स्टिल उसके पोजेशन में ना ये किट. तो ए अगर जेड का सर्वेंट है एंड ही वॉज इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लीट, अगर वो डिसऑनेस्टली उसके साथ प्लीट के साथ रन वे कर जाता है then that means he has committed theft. Z जर्नी पे जाते हुए वो इंटरेस्ट कर देता है प्लीट किसको? ए को, जो कीपर है वेयर हाउस का, कि जब तक वो रिटर्न नहीं कर जाता. ए जो है उस प्लीट को गोल्ड स्मिथ के पास ले जाता है एंड उसको जो है बेच देता है. यहाँ पे जो प्लीट है वो जेड के पोजेशन में नहीं थी. द प्लीट वॉज नॉट इन द जेड्स पोजेशन, क्योंकि उसने वो पोजेशन जो है किसको दे दिया था? ए को. So he could not therefore be taken out of Z's possession, and he has not committed theft. Why? क्योंकि जब हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे सेक्शन 378 की, that says that that must be taken out of the possession of any person. अगर किसी पर्सन के पोजेशन से नहीं ली गई है चीज तो वो थेफ्ट नहीं होगी. So यहाँ पे उसके पास पोजेशन नहीं था, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है? A has committed breach of trust. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. तो ए ने यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है बिकॉज उसको इंटरेस्ट किया गया था एंड वो जो प्लीट थी वो जेड के पोजेशन में नहीं थी. नेक्स्ट इज ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज. तो ए ने क्या किया? ए को एक रिंग मिली जो जेड को बिलोंग करती है घर में टेबल के ऊपर. तो हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजेशन. जो रिंग है वो किसके पोजेशन में है? वो जेड के पोजेशन में है क्योंकि वो उसके घर में है. ठीक है, चाहे वो वहाँ पे है नहीं अभी पर वो उसके घर में है तो उसके पोजेशन में है. तो अगर ए डिसऑनेस्टली उसको रिमूव कर देता है देन ही हैज कमिटेड व्हाट? ही हैज कमिटेड थेफ्ट. सपोज किसी पर्सन को एक रोड पे जो है एक रिंग मिल जाती है. ठीक है, हाई रोड पे उसको रिंग मिल जाती है. तो हाई रोड पे रिंग मिलती है तो किसी के पोजेशन में नहीं होती. तो क्या ऐसी चीज़ का जो है थेफ्ट किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता. वाई? बिकॉज थेफ्ट के लिए पोजेशन होना ज़रूरी है किसी के. सो इफ़ ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट. ए ने उसको लेके कोई भी थेफ्ट नहीं किया है. हाँ, ये हो सकता है कि उसने जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है. वो हम अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो वाई क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन? बिकॉज उसके पास टाइम था वो उसके सही ओनर को ढूंढ सकता था. ठीक है, उसको रिटर्न कर सकता चीज़. अगर उसने किया ही नहीं कोई एफर्ट देन दैट मीन्स ही हैज कमिटेड, ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन जेड्स हाउस. ठीक है, नॉट वेंचरिंग टू मिस एप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली. इस डर से कि इमीडिएटली वो इसको जो है कि उसका मालिक जो है वो उसको ढूंढने ना लग जाए. ठीक है, एंड उसको उसके बारे में पता ना चल जाए. तो वो क्या करता है? वो रिंग को जो है वो वहीं पे कहीं छुपा देता है सो दैट कि वो उसको बाद में ले लेगा. सो ही हाइड्स द रिंग इन अ प्लेस वेयर इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल. जहाँ पे हाईली इम्प्रॉबेबल था कि जेड को कभी वो रिंग मिले, इस इंटेंशन के साथ वो बाद में वहाँ से उसको ले लेगा एंड बेच देगा जब उसके बारे में भूल जाएगा. तो जैसे ही उसने पहली बार वो रिंग मूव की दैट मीन्स ही हैज कमिटेड थेफ्ट. उसने क्या किया है? उसने थेफ्ट कमिट किया है. ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड. ए जो है अपनी वॉच डिलीवर कर देता है किसको? जेड को, एक ज्वेलर को, टू बी रेगुलेटेड. जेड कैरीज इट टू हिज शॉप. जेड जो है उसको शॉप पे ले जाता है. ए नॉट नोइंग द ज्वेलर. ए कोई भी ज्वेलर को कोई भी डेट नहीं देना होता जिसके लिए ज्वेलर जो है उस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रख ले. वो उस शॉप में ओपनली एंटर करता है, अपनी वॉच जो है फोर्स से जेड से वापस ले जाता है. तो वेदर अगर उसने अब वॉच तो किसके पोजेशन में थी? ज्वेलर के पोजेशन. चाहे उसने अपनी वॉच ली, ठीक है, क्या उसने वेदर ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट? तो यहाँ पे हो सकता है कि ए ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, असॉल्ट किया, क्योंकि वो फोर्सफुली लेके जाता है बट ही हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट. व्हाई? बिकॉज व्हाट ही डिड वाज नॉट डन डिसऑनेस्टली. इससे किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं हो रहा है. क्योंकि ज्वेलर को उसने कोई भी डेट या कोई भी पैसे नहीं देने थे, जिसकी वजह से वो वॉच को रिटेन करे। बट अगर देने होते, ठीक है, अगर उसने देने होते एंड वो ऐसे वॉच लेके जाता, देन ही मे हैव कमिटेड द थेफ्ट। तो यही हमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। दिस सेज ए ओज मनी टू जेड, ए मनी ओ करता है जेड को फॉर रिपेयरिंग द वॉच, एंड अगर जेड रिटेन करता है वॉच को लॉफुली एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट, इट टेक्स द वॉच आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। ए जो है उस वॉच को ले लेता है जेड के पोजेशन से, इस इंटेंशन के साथ कि वो जेड को डिप्राइव करेगा एज ए सिक्योरिटी फॉर हिज डेट। हियर व्हाट ही हैज कमिटेड थेफ्ट, क्योंकि उसने जो है ये चीज डिसऑनेस्टली दी। अगेन अगर ए ने सपोज पॉन कर दी है वॉच जेड को, ठीक है, वो उसके पोजेशन से ले लेता है बिना जेड के कंसेंट के, एंड उसने पैसे नहीं पे किए जो भी उसने वो बोरो किए होते हैं, व्हाट ही हैज कमिटेड थेफ्ट। व्हाई? बिकॉज वो प्रॉपर्टी को वापस ले रहा है, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है प्रॉपर्टी को वापस लेने की। तो जब भी आपको ये देखना है कि ये थेफ्ट है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो व्हाट यू नीड टू सी इज द इंग्रेडिएंट्स। आपने इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं कि क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स जो दिए हुए हैं, वेदर दैट इज फुलफिलिंग दिस सेक्शन, और विच सेक्शन, कौन से सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। ए कोई आर्टिकल ले लेता है जो कि जेड को बिलोंग करता है, जेड के पोजेशन से बिना जेड के कंसेंट, इस इंटेंशन के साथ until he obtains the money from Z as a reward for his restoration। Here A takes, A ने क्या किया, A ने dishonestly लिया। What A has committed? A has committed theft। Next is A being on friendly terms with Z। A friendly terms के साथ, friendly terms पे Z के साथ, वो Z की लाइब्रेरी में जाता है Z की एब्सेंस, एंड उससे जो है एक बुक ले लेता है विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पस मियरली ऑफ रीडिंग, बिना जेड के कंसेंट के, किस पर्पस के साथ, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए, एंड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, एंड किस इंटेंशन के साथ उसको रिटर्न करना। हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे हैव कंसीव्ड दैट ही हैड जेड्स इम्प्लाइड कंसेंट टू यूज जेड्स बुक। इफ दिस वाज एज इम्प्रेशन, ए हैज कमिटेड व्हाट? ए हैज कमिटेड थेफ्ट। ए अगर चैरिटी के लिए बोलता है जेड की वाइफ को, उसको मनी दे देती है, फूड क्लोथ दे देती है, जो कि विच ए नोज, जो कि ए को पता है कि उसके हस्बैंड को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबल है दैट ए मे कंसीव दैट जेड्स वाइफ इज ऑथोराइज टू गिव अवे आर्म्स, ठीक है, कि जेड की वाइफ के पास अथॉरिटी है कि उसको ये सब चीज़ें दे सकती है। अगर ये इम्प्रेशन है तो ए ने कोई भी चोरी नहीं की। बट अगर ए जो है पामर है जेड की वाइफ का, वो उसको एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे देती है जो उसको पता है कि ये जेड के हस्बैंड को बिलोंग करती है। सपोज शी गिव्स हर एन एक्सपेंसिव वॉच, तो तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है उसको जो है ये वॉच देने की। इफ अगर वो डिसऑनेस्टली इसको ले लेता है, दैट ही हैज़ कमिटेड व्हाट? ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। तो ऐसे इलस्ट्रेशंस आपने जो है बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि इन्हीं में जनरली मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट इज ए गुड फेथ में ये बिलीव करते हो कि जो ये प्रॉपर्टी है दिस बिलोंग्स टू जेड और टू बी एज ओन प्रॉपर्टी। ए गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजेशन। वो प्रॉपर्टी को ले लेता है बी के पोजेशन से। हियर ए डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, ही डज नॉट कमिट थेफ्ट, क्योंकि उसने वो डिसऑनेस्टली नहीं लिए थे, तो उसने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया। सो ए गुड फेथ में ये बिलीव करते हैं कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी, कि वो एक ही टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजेशन। हियर ए डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, हियर ही डज नॉट कमिट द थेफ्ट। नेक्स्ट इज व्हाट? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। तो अगर कोई भी थेफ्ट करता है, चोरी करता है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी हुई है, दैट इज गिवन एज, जो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। अगर कोई चोरी करता है किसी ड्वेलिंग हाउस में, इफ एनी वन कमिट्स थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ठीक है, जिसको ह्यूमन डिवेलिंग के लिए, रहने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर दैट इज़ यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसके लिए सेपरेट पनिशमेंट दी हुई है जो एक्सटेंड कर सकती है 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो जनरली जो पनिशमेंट है वो 3 साल की है, फाइन है एंड दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई ड्वेलिंग हाउस में करता है तो उसके लिए 7 years की है एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अगर कोई चोरी करता है क्लर्क या सर्वेंट प्रॉपर्टी की जो उसके मास्टर के पोजीशन में है, तो यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसके लिए आपका सेपरेट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 381। नाउ अगर कोई चोरी करते हुए, ठीक है, थेफ्ट, चोरी करते आफ्टर प्रिपरेशन मेड, उसने ही हैज़ मेड प्रिपरेशन, उसने कोई प्रिपरेशन की है डेथ कॉज करने के लिए, हर्ट, रिस्ट्रेंट या फियर ऑफ डेथ के लिए, तो उसके लिए सेपरेट जो है सेक्शन दिया हो। 379 में तो हमने देखा कि अगर कोई जर्नली कोई चोरी करता है उसके लिए 3 साल की सज़ा है, बट 382 कहता है, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले लेट्स सी एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेज ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी, ए चोरी करता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि जेड के पोजेशन में है। तो A commits theft on property in Z's possession and while committing this theft, and ये चोरी करते हुए he has a loaded pistol under his garment। ये क्या करता है, ये चोरी करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी की जो Z के पोजेशन में, एंड वो करते हुए उसके जो गारमेंट में है उसके एक लोडेड पिस्टल होती है। प्रोवाइडेड दिस पिस्टल, ये जो पिस्टल है किस पर्पज़ के लिए है, इस जेड को हर्ट करने के लिए, कि अगर वो जेड उसको प्रॉपर्टी नहीं देगा, अगर वो रेजिस्ट करेगा तो वो इस पिस्टल को यूज़ करेगा। तो ए ने ऑफेंस जो है इस सेक्शन के अंडर किया है। व्हाई? बिकॉज दिस सेज हूएवर कमिट्स थेफ्ट, ही हैज कमिटेड थेफ्ट हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे उसने क्या, उसने प्रिपरेशन की कि अगर ये रेजिस्ट करेगा तो आई विल यूज अ लोडेड पिस्टल। सो ही हैड मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, या फिर डर पैदा करने के लिए डेथ का, हर्ट का या रिस्ट्रेंट का, टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट और इन ऑर्डर टू द अफेक्टिंग ऑफ हिज एस्केप आफ्टर द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट और इन ऑर्डर टू द रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन बाय सच थेफ्ट। तो उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है जो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू, so shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये जो है पिक करता है जेड्स पॉकेट, हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम इन ऑर्डर दैट दे मे रिस्ट्रेन जेड, ठीक है, इस ऑर्डर में कि वो जेड को रिस्ट्रेन कर सके। If Z should perceive what is passing and should resist or should attempt to apprehend it, A has committed the offense defined in this section। A ने क्या किया है, A ने offense किया है सेक्शन में जो define किया है। Why? क्योंकि उसने several companions को रखा कि किसके लिए, डर पैदा करने के लिए कि उसको hurt करेंगे अगर वो resist करता है, ठीक है। So that's why they have committed theft under section 382। Now next is extortion। This is defined in your section 383 में ये define किया हुआ। So this says whoever intentionally, अगर कोई भी intentionally किसी person को किसी fear of injury में put करता है to that person or to any other and thereby dishonestly, and ऐसे dishonestly उसको induce करता है person को, so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed, जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, देन दैट पर्सन इज कमिटिंग एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर एक्सटॉर्शन। तो क्या इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, दैट इज अगर कोई पर्सन इंटेंशनली किसी को फियर ऑफ इंजरी में डालता है टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। इंजरी का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी को इंजरी पहुंचाता है, दैट इज वॉट एवर इलीगली कॉज एनी पर्सन टू बॉडी, माइंड, उसकी रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को। जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी को, दैट कैन बी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और इवन टू ए प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन किसी को इंटेंशनली पुट करता है फियर ऑफ इंजरी में टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, एंड डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करके सो पुट इन फियर उसको डिलीवर कर देता है, ठीक है, डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ पे साइन करता है या जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, देन दैट मीन्स दैट पर्सन इज कमिटिंग एक्सटॉर्शन। तो इंजरी इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 44 में इसको डिफाइन किया गया है। दिस इज डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, ए थ्रेटन करता है, ठीक, ए थ्रेटन करता है पब्लिश करने के लिए डेफेमेटरी लेबल को कंसर्निंग जेड। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लेबल जो कि जेड को कंसर्न करता है जब तक कि जेड उसको जो है पैसे नहीं दे देता है। सो ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। ए ने क्या किया, ए ने थ्रेटन किया कि वो डेफेमेटरी लेबल जो है वो पब्लिश कर देगा अगर जेड उसको पैसे नहीं देता। यहाँ पे इंजरी किस चीज़ को होगी, यहाँ पे वो इंटेंशनली इंजरी किस चीज़, उसकी रेपुटेशन को कर रहा है। तो अगर वो उसको इंजरी, फियर ऑफ इंजरी ऑफ रेपुटेशन में डाल के अगर उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है कि उसको पैसे दे, ठीक है, सो दैट मीन्स ही हैज कमिटेड व्हाट, ही इज कमिटिंग एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट इज ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंजरी उस पर्सन को भी कर सकता है या किसी और पर्सन को। तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में व्हाट दिस इज सेइंग इज, ए थ्रेटन करता है जेड को कि दैट कि वो जेड के चाइल्ड को रखेगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जब तक जेड साइन या डिलीवर नहीं कर देता है ए को एक प्रोमिसरी नोट, ठीक है, बाइंडिंग जेड की प्रोमिसरी नोट की वो उसको कुछ मनी पे करेगा। तो प्रोमिसरी नोट पे जैसे उसने साइन करवाया, नोट को डिलीवर किया, कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सो दैट मींस ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। उसने इंजरी में पुट किया, इसको उसने इंटेंशनली किया, दैट इज टू अदर पर्सन, दैट इज हिज चाइल्ड, सो दैट्स व्हाई ही हैज कमिटेड व्हाट, ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट इज ए अगर थ्रेटन करता है टू सेंड क्लबमैन टू क्लोज अप जेड्स फील्ड कि जब तक कि वो साइन या डिलीवर नहीं कर देता है एक बॉन्ड जो कि Z को बाइंड कर देगा अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी, सो देयर बाय इंड्यूसेस Z टू साइन एंड डिलीवर दैट बॉन्ड, सो ही हैज कमिटेड व्हाट, ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने के लिए उसने उसको थ्रेटन की, ठीक है, कि वो कुछ बंदे भेज देगा टू ब्लो अप जेड्स फील्ड जब तक कि वो साइन या डिलीवर नहीं कर देता है एक बॉन्ड को। नेक्स्ट इज ए बाय पुटिंग जेड इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ए जेड को ग्रीवियस हर्ट में, ठीक है, डाल के वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देता है जेड को साइन करने के लिए या फिक्स करने के लिए उसकी सील को टू ए ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू जेड। साइन कर देता है एंड डिलीवर कर देता है पेपर ए। यहाँ पे जैसे ही पेपर पे साइन हुए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, so A has committed what? A has committed extortion. तो जैसे हमने देखा कि theft की punishment is given in 379 section, that is 3 years and fine. तो extortion की punishment is given in your section 384. तो अगर कोई भी extortion commit करता है तो उसके लिए imprisonment दी हुई है same, that is 3 years और fine या फिर दोनों चीज। तो इसके आगे हमें एग्रीवेटेड फॉर्म्स दी हुई है। अगर कोई पर्सन किसी को फियर ऑफ इंजरी में पुट करता है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, दैट में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। अगर किसी को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट में पुट करता है देन उसके लिए 10 years के पनिशमेंट है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर किसी को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट में करता है देन 7 साल की सजा है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सो आगे एग्रीवेटेड फॉर्म्स आर गिवन, जस्ट गिव अ रीडिंग टू दैट वन। नेक्स्ट इज रॉबरी एंड डिकॉयटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रॉबरी मीन्स व्हाट, तो इन ऑल रॉबरी, हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है। सेक्शन 390 डिफाइंस दिस। आपको सेक्शंस भी याद रखने हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि 378 में थेफ्ट इज डिफाइंड, 379 में पनिशमेंट, 383 में एक्सटॉर्शन, फिर उसकी पनिशमेंट दी हुई है 384 में, 390 में रॉबरी इज डिफाइंड। तो एक थेफ्ट रॉबरी कब होती है, तो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, वी हैव स्टडीड इन योर सेक्शन 378। एक थेफ्ट रॉबरी कब होता है? अगर थेफ्ट को करते हुए इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट या इन द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, या जो प्रॉपर्टी चोरी से मतलब उसने ली है उसको ले जाते हुए या अटेम्प्ट करते हुए उसको लेके जाने के लिए, जो ऑफेंडर है अपने मीन्स को अचीव करने के लिए वॉलेंटली अगर वो कॉज करता है या अटेम्प्ट करता है, ठीक है, किसी पर्सन को डेथ करने की, हर्ट करने की या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ हर्ट, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, देन वो चोरी जो है रॉबरी बन जाएगी। एक मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था 382 हमने पढ़ा था, यहाँ पे प्रेपरेशन है, उसने प्रेपरेशन की है फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, यहाँ पे वो करता है एक्चुअल में, ठीक है, वो प्रेपरेशन का सेक्शन है। हियर थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन द कमिटिंग और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, उस एंड के लिए वो वॉलेंटली कॉज करता है, अटेम्प्ट करता है क्या चीजें करने की, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। एक एक्सटॉर्शन का रॉबरी होगा, तो एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक एक्सटॉर्शन का रॉबरी इफ द ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, अगर ऑफेंडर जो है एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर एंड कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ठीक है, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन, या फिर जैसे हमने एक्सटॉर्शन के सेक्शन में देखा टू अदर पर्सन बाय पुटिंग सो फियर इंड्यूसेस द पर्सन कि उसको डिलीवर करे बीइंग एक्सटॉर्टेड, दैट मीन्स एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी बन जाएगा। तो एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बनता है जब एक्सटॉर्शन करते हुए उस पर्सन को फियर में डाल देता है, ठीक है, या एंड कमिट करता है एक्सटॉर्शन इंस्टेंट डेथ, हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो आपको याद रखने हैं ये तीन इंग्रेडिएंट्स। Let's see the examples to understand this. A holds Z down and fraudulently takes Z money. A जो है he holds Z down and fraudulently वो Z की money ले लेता है and jewels ले लेता है Z के clothes से, ठीक है, बिना Z के consent के, without Z's consent। यहाँ पे A ने क्या किया है, A ने theft को commit किया है and in order to the committing of that theft, एंड उस थेफ्ट को करने के चक्कर में उसने वॉलेंटली रिस्ट्रेन किया है किसको, जेड को। तो ए हैज देयरफॉर कमिटेड व्हाट, ए हैज कमिटेड रॉबरी, ठीक है। ए जो है ए मीट्स जेड ऑन ए हाई रोड, ए को जेड मिलता है हाई रोड पे, वो उसको एक पिस्टल शो कर देता है, डिमांड करता है जेड का पर्स, जेड उस कॉन्सिक्वेंस में क्या कर देता है, पर्स को सरेंडर कर देता है। यहाँ पे ए ने पर्स को एक्सटॉर्ट किया है जेड से बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, ही हैज कमिटेड व्हाट, ही हैज कमिटेड रॉबरी। ए जो है जेड को मिलता है एंड जेड के चाइल्ड को हाई रोड पे, ए उससे चाइल्ड ले लेता है, थ्रेटन करता है टू फाइलिंग इट डाउन पर्स अनलेस जेड डिलीवर्स हिज पर्स, दैट इज कॉन्सिक्वेंस में उसको पर्स दे देता है। तो ए ने यहाँ पे पर्स कैसे एक्सटॉर्ट किया, उसने इंस्टेंट हर्ट में डाला उसके चाइल्ड को जो वहाँ पे प्रेजेंट था। तो एक एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा, जरूरी नहीं है कि वो उसी पर्सन को जो है इंस्टेंट हर्ट में डाले, हो सकता है कि वो किसी और पर्सन को उसमें डाले, ठीक है, जो उसमें इंटरेस्टेड है। सो ए हैज कमिटेड व्हाट, ए हैज कमिटेड रॉबरी ऑन जेड। ए अगर ऑब्टेन कर लेता है प्रॉपर्टी जेड से ये कहते हुए Your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. ये extortion है, ठीक है, and punishable है, क्योंकि उसने जो है उससे money extort करने के लिए उसको जो है injury, उसको fear of injury में डाला। But ये robbery नहीं है, why? क्योंकि एक extortion robbery कब बनता है, जब इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या इंस्टेंट डेथ होती है, इंस्टेंट डेथ का फियर होता है, बट यहाँ पे इंस्टेंट नहीं था। बट दिस इज नॉट रॉबरी अनलेस जेड इज पुट इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ द चाइल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो रॉबरी इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 390। इसकी पनिशमेंट जो है आपको 392 एंड 393 में दी है। तो 392 सेज कि अगर कोई भी रॉबरी करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है जो कि 10 साल की है, साथ में फाइन। एंड अगर वो रॉबरी किसी हाईवे पे की जाती है सनसेट में एंड सनराइज में तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड कर सकती है 14 ईयर्स तक, ठीक है। अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए 7 ईयर्स है एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर कोई पर्सन किसी को वॉलेंटली हर्ट करता है रॉबरी को कमिट करते हैं, तो इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, ऐसे पर्सन को अगर वॉलेंटली हर्ट करता है या एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी, उसके लिए पनिशमेंट है दैट इज जो एक्सटेंड कर सकती है 10 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। So this is regarding robbery। एक robbery होता है, एक होता है डकैती। So what is डकैती? That is defined in your section 391। अगर 5 या 5 से ज़्यादा persons को jointly commit करते हैं या attempt करते हैं robbery को commit करने के लिए, या फिर यहाँ पे सारे persons मिलके को jointly committing और attempting to commit a robbery, where 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempt to commit a robbery and persons present in aiding such commission or attempt amount to 5 or more. Every person, सारे person जो उसको commit कर रहे हैं, attempt कर रहे हैं या aid कर रहे हैं, that is said to commit dacoity। So what is the punishment for dacoity? डकैती के लिए क्या पनिशमेंट दी हुई है जो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अगर डकैती के साथ साथ कोई मर्डर करता है उसके लिए सेपरेट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 396 जो एक्सटेंड कर सकती है 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। एक डकैती ऐसा सेक्शन है कि अगर कोई प्रिपरेशन करता है डकैती को कमिट करने के लिए देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 399 में, वो भी पनिशेबल है। सो हू एवर मेक्स प्रिपरेशन, एनी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती शेल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो फर्दर हमें दिया है कि अगर कोई मियर असेंबली करता है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की डकैती को कमिट करने के लिए तो उसके भी ये भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सो दिस इज रिगार्डिंग वी हैव स्टडीड थेफ्ट एक्सटॉर्शन। एक रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन मिलकर करते हैं रॉबरी को तो फिर वो डकैती बन जाती है अंडर सेक्शन 391। तो सेक्शंस भी याद रखने, आपको इसकी पनिशमेंट्स भी याद होनी चाहिए। मियर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 399। अगर कोई असेंबली करता है फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 402। नेक्स्ट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो थेफ्ट में हमने कुछ इलस्ट्रेशन में ये पढ़ा था होता क्या है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिफाइंड इन योर सेक्शन 403। ये 403 में डिफाइन किया हुआ है। तो कोई भी डिसऑनेस्टली अगर कोई मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने खुद के यूज के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और फाइन या फिर दोनों चीजें, ठीक है, जो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें। तो लेट्स सी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसको समझने के लिए। अगर ए प्रॉपर्टी ले लेता है बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन इन गुड फेथ, ये बिलीव करते हुए कि जब वो उसको लेता है दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, प्रॉपर्टी जो है उसको बिलोंग करती है। दिस इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। वो उसने चोरी नहीं की है। वाई? क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, सो देयर इज नो इंटेंशन। उसने इस गुड फेथ में ली उसने प्रॉपर्टी, ये उसको बिलोंग करती है। बट अगर ए ये डिस्कवर करती, इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक डिसऑनेस्टली अगर वो एप्रोप्रिएट कर लेता है प्रॉपर्टी को, बट इफ ए उसको पता चल जाता है कि ये मेरी है, ठीक है, ये मेरी नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, स्टिल वो उसको यूज़ कर लेता है, तो उसने जो है ऑफेंस किया है इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे क्या, ये अगर कोई भी डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने खुद के यूज़ के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, देन दैट इज डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हेयर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है, नॉट रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर ए फ्रेंडली टर्म्स के साथ जेड पे उसकी लाइब्रेरी में जाता है जेड की एब्सेंस में, एंड वहाँ से कोई बुक ले लेता है बिना उसके एक्सप्रेस कंसेंट से, यहाँ पे अगर ए ने ऐसा, इफ ए वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट ए हैड जेड्स इम्प्लाइड कंसेंट, कि उसके पास जेड का इम्प्लाइड कंसेंट था कि बुक ले सकता है वो रीडिंग में, तो उसने चोरी नहीं की है क्योंकि उसने इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की। बट अगर वो बाद में उस बुक को बेच देता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, then he has committed what? He has committed criminal misappropriation of property. Now, these are very important regarding your exam. यहाँ से आपको फिर आपको ऑप्शन आए थे whether this is theft, extortion, misappropriation और breach of trust. आपको ingredients अप्लाई करके देखनी है sections के। Next is A and B being joint owners of a horse. ठीक है, वो joint owners है horse के, वो horse को ले लेते हैं out of B's possession. इस इंटेंशन के साथ, उसको यूज़ करने की इंटेंशन के साथ। अगर ए का यहाँ पे राइट है उस होर्स को यूज़ करने का, ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट इट, बट अगर वो उसको सेल कर देता है एंड एप्रोप्रिएट कर लेता है सारे प्रोसीड्स को अपने खुद के यूज़ के लिए, देन ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ए एंड बी क्या है, वो जॉइंट ओनर्स हैं एक होर्स के, वो एक होर्स को ले लेती है बी के पोजेशन से उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ए का राइट है उसको यूज़ करने का, ए डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएटेड, बट अगर वो उसको बेच देता है देन दैट इज द क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। अगर कोई डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन करता है, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही सही, वो भी मिसएप्रोप्रिएशन होगी इस सेक्शन के अंडर। तो ए को अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट मिल जाता है जो कि जेड को बिलोंग करता है, जिसमें ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है, ए को पता होता है कि ये जेड को बिलोंग करता है, स्टिल वो उसको प्लेज कर देता है बैंकर के साथ एज ए सिक्योरिटी और लोन, इस इंटेंशन के साथ एज ए फ्यूचर टाइम कि वो इसको रिस्टोर कर लेगा। तो ए हैज़ कमिटेड व्हाट? ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो कोई पर्सन अगर किसी को प्रॉपर्टी मिल जाती है जो किसी दूसरे के पोजेशन में नहीं है, ठीक है, सपोज किसी को हाई रोड पे कोई रुपये मिल गया जो किसी के पोजेशन में नहीं है, उसने वो उठा लिया, तो उसने कोई भी सेक्शन के अंडर कोई ऑफेंस नहीं किया है। वाई? क्योंकि वो किसी के पोजेशन में ही नहीं थे। यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, अगर कोई डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या यूज़ करता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो किसी के पोजेशन में ही नहीं थे। अगर एक को कोई लेटर मिल जाता है जिसमें एक ब्लैंक नोट होता है डायरेक्शन से या कंटेंट से लेटर, तो उसको पता चल जाता है कि इसको बिलोंग करता है, बट स्टिल वो नोट को खुद यूज़ कर लेता है, ही इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, उसने फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है। अगर ए को कोई चेक मिल जाता है दैट इज पेएबल टू द बेयरर, ही कैन फ्रॉम नो कंजक्चर एज टू द पर्सन हु हैज लॉस्ट चेक, बट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने उस चेक को ड्रॉ किया है क्लियर हो जाता है। ही नोज दैट दिस पर्सन कैन डायरेक्ट हिम टू द पर्सन इन हुज फेवर द चेक वाज ड्रॉन, बट ए एप्रोप्रिएट कर लेता है उस चेक को बिना डिस्कवर किए उसके ओनर को, देन ही हैज कमिटेड व्हाट? ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन अंडर दिस सेक्शन। तो बिफोर वी स्टडी फर्दर, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज लर्नर्स फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज जो अनअकैडमी का ऑफर था वो एक्सटेंड हो गया है। नाउ ये आपका 28 तक एप्लीकेबल है ये ऑफर। सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अभी ले लेना, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। आपको 20% ऑफ के साथ साथ 6 महीने की एक्सटेंशन भी मिल रही है, ठीक है। तो देयर इज़ फ्री ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, ये 5 मार्च को कंडक्ट होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव अ चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप एंड रिवीजन बैच फॉर यूपी मेंस एग्जाम। दिस इज 3 मंथ्स का बैच है, so you can again use this code to just join this at only this price. Linking batch for Rajasthan and Gujarat judiciary, you can use this code to join this batch at only 36,000 something. This is another comprehensive batch, you can just use this code to join this batch only at this price. So mains test series for Punjab judiciary, you can only use this this is available only at 4999 by using this code. Again यूपी जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज जो है दिस इज ओनली अवेलेबल एट 2999, वेरी लेस प्राइस। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स बाय यूजिंग दिस प्राइस। ठीक है, डिटेल्स आपको इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज ACZ ड्रॉप्स हिज पर्स विद मनी। ये देखता है कि Z ने जो है अपना पर्स ड्रॉप कर दिया है जिसमें कि मनी थी। ए पिक्स अप द पर्स इस इंटेंशन के साथ कि वो उसको रीस्टोर कर देगा Z, बट बाद में वो उसको खुद के लिए ही यूज कर लेता है। देन ए हैज कमिटेड व्हाट? ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ए को एक पर्स मिल जाता है पैसों के साथ, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये किसको बिलोंग करता है। वो बाद में डिस्कवर कर लेता है दैट दिस बिलोंग्स टू Z। He later on discovers that this belongs to Z and वो उसको appropriate कर लेता है अपने use के लिए। Then A is guilty of an offense under this section. A को एक valuable ring मिल जाती है जो उसको नहीं पता होता कि ये किसको belong करती है। A उसको immediately sale कर देता है बिना ये discover किए हुए, without attempting to discover the owner. Then A is guilty of an offense under this section. नाउ अगर कोई पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार इलस्ट्रेशन आया है, स्पेशली इसमें सेक्शन ही पूछ लिया था कि इसने ऑफेंस कौन से सेक्शन के अंडर किया। सपोज Z की डेथ होगी, ठीक है, उसके पोजीशन में फर्नीचर एंड मनी था, उसका ए सर्वेंट ए है, ठीक है, बिफोर, इससे पहले कि जो मनी जो पोजीशन है वो उस पर्सन के पास जाता जिसको वो एंटाइटल था, उसके LR के पास, वो उसको डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर देता है। देन उसने ऑफेंस कौन से सेक्शन के अंडर किया है? क्या उसने 403 सेक्शन के अंडर किया है, या फिर उसने ऑफेंस जो है कोई स्पेसिफिक सेक्शन के अंडर किया है? देन ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 के अंडर उसने ऑफेंस कमिट किया। सो दिस सेक्शन, दिस इज द पर्टिकुलर सेक्शन, दिस सेज अगर कोई डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी, ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी जो है पोजेशन में थी डिसीज्ड पर्सन की जब उसकी डेथ हुई, एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन जो लीगली एंटाइटल्ड है, तो उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है जो 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। बट अगर ऐसा ऑफेंस जो है वो किसने किया, अगर किसी क्लर्क या सर्वेंट ने किया है, देन उसके लिए पनिशमेंट कितनी है? 7 इयर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, 403 में आपको क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन दी है जिसके लिए पनिशमेंट 2 साल की है, बट अगर कोई डिसीज की प्रॉपर्टी के साथ करता है, ठीक है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, देन उसके लिए 3 साल की है। अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट करता है देन वो पनिशमेंट जो है 7 इयर्स की है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है, जैसे हमने थेफ्ट की, मैंने आपको सेक्शंस में भी हमने उसमें इलस्ट्रेशंस में पढ़ा था, तो हु एवर बींग इन मैनर एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी, या उसके पास डोमिनियन है प्रॉपर्टी का, अगर वो डिसऑनेस्टली उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है या अपने पर्पस के लिए उसको कन्वर्ट कर देता है, डिसऑनेस्टली यूज करता है, डिस्पोज करता है, इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, जो वायलेशन ऑफ डायरेक्शन या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड व्हिच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट, वो देन दैट पर्सन हैज कमिटेड व्हाट? ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ए इज अ वेयर हाउस कीपर है, Z जर्नी पे जाते हुए उसको अपना फर्नीचर दे देता है, उसको इंटरेस्ट करवाता है फर्नीचर इस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो उसको रिटर्न कर देगा ऑन पेमेंट ऑफ ए स्टिपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम। ए डिसऑनेस्टली क्या करता है? उसको बेच देता है। ए ने क्या किया? ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाई? क्यों? क्योंकि Z ने तो उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की थी, ना कि उसको बेचने के लिए दी थी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी किसी को इंटरेस्ट करता है प्रॉपर्टी एंड दूसरा पर्सन जो है उसको वायलेशन में जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं उसको उसके अगेंस्ट यूज कर देता है, देन दैट ही हैज कमिटेड व्हाट ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। So if any person does criminal breach of trust, just read out all the illustrations along with this. ठीक है, सारी illustrations आपको पढ़नी है एक बार, all are important. तो punishment क्या है अगर कोई criminal breach of trust करता है, जो 3 साल तक extend कर सकता है, या फिर फाइन या फिर दोनों चीज। अगर कोई criminal breach of trust करता है carrier जिसको प्रॉपर्टी दिया है, warehouse creeper या war finger, देन उसके लिए punishment है जो extend कर सकती है 7 years। अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क या सर्वेंट करता है देन उसके लिए अलग से सेक्शन है। अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पब्लिक सर्वेंट करता है, बैंकर, मर्चेंट या एजेंट करता है, उसके लिए अलग से सेक्शन है, दैट इज 409, जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट है जो 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है या फिर शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो वी हैव डन सेक्शन 378 टू 409 ऑफ IPC। इन योर नेक्स्ट लेक्चर विल रिवाइज मोर सेक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच लर्नर्स।